ऐसे मौसम अगर तू मैगी में हल्का सा लग रहता है और मैगी का खुद का टेस्ट। इतना समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ी सी माइक्रोफोन पे हवा भी लग रही होगी जिस करके आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आ रही होगी, बट बेयर विद मी, थोड़ी देर बाहर ब्लॉग करना ज़रूरी है। अचानक से सुबह 5 बजे, मैं 5 बजे के करीब उठा, मैंने देखा भाई साहब बादल कड़क रहे, धड़ 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 धड़। मैं सही बता रहा हूँ, एक टाइम को तो मैं डर गया, सबसे पहले तो अंदर जाता, हवा देखो क्या तेज चल रही है, एक टाइम को मैं डर गया कि क्या हो रहा है, फिर बाहर आके देखा बारिश शुरू होगी। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। आज के दिन की शुरुआत हमारी हुई एक बहुत ही प्यारे मौसम से, लेकिन मेरे को थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि आज करवा चौथ भी है, अगर बादल रहेंगे तो मेरे हिसाब से चांद को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अरे हाँ, हैप्पी करवा चौथ टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ऑल द लेडीज आउट देयर, सैल्यूट है आप सभी को। पूरे दिन के लिए फास्टिंग करना विदाउट हैविंग इवन वाटर, लेकिन चलो अब जो भी है जैसा भी है ठीक है। हम गीजर वगैरह ऑन करते हैं, फोन वगैरह चार्ज करते हैं क्योंकि आज कुछ ही नहीं पता लाइट का, और इसी नोट पे शुरू करते हैं आज की जर्नी, आज का एडवेंचर लेते हैं, आज के दिन सीखने एक्सपीरियंस। ऐसा लग रहा है कोई भूत हो भाई साहब, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बहुत ही ज्यादा यार, सो जो इस चौड़िया तो दरवाजा कर दो बंद क्योंकि हो गई है बहुत ज्यादा ठंड, और खड़ा है बाहर लैंप पोस्ट। नहाना धोना कंप्लीट, और आज ठंड इतनी ज्यादा हो रही है कि तीन तीन लेयर डालनी पड़ेगी, 1, 2 एंड 3। और अब सर्दियां आ गई है तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, वो है इसकी, इसको मूलियों को हम उतार नहीं सकते क्योंकि पंडित जी ने हवन के टाइम पे बांध दी थी। जब जब नहा के निकलते हैं एन एकदम गिल्ली हो जाती है, जितना मर्जी पैड ड्राई कर लो होती नहीं है। जैसी ये जो स्लीव है ये नीचे को आती है देखो, और उससे कनेक्ट होती है, सारा स्लीव पानी सोख लेते हैं, और इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग फीलिंग होता है, डिस्गस्टिंग तो नहीं लेकिन हाँ ठंडी लगती है, पूरा दिन इरिटेट करते हैं स्लीव, तो इस करके 24 घंटे स्लीव को जब तक ये सूखते नहीं है ना ऐसे ही करके रखना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गया, ये हमारा मास्क का थैला, इसमें ऊपर तक मास्क ही मास्क भर रखे हर रंग के। खैर अभी तो बारिश रुक रखी है, फटाफट जाके मैगी उठा लाते हैं, कुछ नहीं पता शाम तक का जुगाड़ सेट करना है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पड़ी है घर पे, बस मैगी और चिप्स वगैरह नहीं है, तो सोचा वही उठा ले, एक तो कुंडी एक हाथ से खोलनी इतनी ज़्यादा रखी है ना, ऊपर से ड्राइव भी एक ही हाथ से। क्या अंकल जी पोचा तो नहीं लग रखा, आ जाए फिर मैगी। अच्छा तो भी आ गया, फाइनली मिली गई हमको हमारी मैगी, यस 6 वाला पैक नहीं मिला तो 1 4 वाला और 2 1-1 वाले। लोकेलिटी में किसने ईंटों की भट्टी लगा रखी, इसमें ईंटें बनती हैं देखो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज। ऐसे मौसम में गर्मा गर्म मैगी, टोस्ट, ठंडी ठंडी हवा और इतने प्यारे बादल। क्या मैगी के बारे में ना मेरे को एक नई चीज पता लगी, अगर तुम मैगी में हल्का सा घी डालते हो ना भाई साहब, एक नंबर, एक एक जो ये होता है स्ट्रिंग होता है ये अलग अलग रहता है, और मैगी का खुद का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है, डाल के देखना कभी। मैंने बाइट ली, सारे स्ट्रिंग यहाँ पे चिपक गए, इतना गर्म लग रहा है ना यहाँ पे भाई, मैगी बनी बहुत टेस्टी है। बारिश देखो बाहर भाई साहब, अचानक से कितनी तेज होगी, ठंडा ठंडा मौसम, ठंड लग रही है, हवा भी बहुत तेज चल रही है यार आज तो, और मेरे कमरे में भी पानी आ रहा है, मैं जूते उतारूं सबसे पहले कमरे में, पता नहीं यहाँ जाली से ना बूंद बूंद गिरती है यहाँ पे। लाइट भी चली गई, वाह लाइट आ गई, हम लोग तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए मार्केट की तरफ,
सीन कुछ इस प्रकार है, जब मैं पहले मैगी लेने गया था टाइम पे, जाते हुए मेरे याद था भी हाँ मैंने चिप्स भी उठाने हैं, लेकिन आते सारे जैसे मैगी ली उसके बाद मैं भूल गया। फिर घर आके मेरी बहन ने मेरे को याद दिलाया कि तूने चिप्स नहीं लेने थे, मैं कहा हाँ, पर वो मनसा देवी थोड़ा बहुत काम भी है तो एक तीर से दो निशाने बच जाएंगे। कबूतरों की डेडिकेशन देखो, पता नहीं इतनी बारिश में क्या गॉसिप कर रहे हैं ये, क्या नहीं केड़ी मीटिंग चल रही है, लेकिन फिर भी बारिश झमाझम पड़ रही है, ये बैठ रखे हैं वहाँ पे। लगता है ये भी संदीप महेश्वरी जी के फैन है, तभी उनसे देखिए इतनी बारिश में भी ना काम करो, भला खाना वहाँ पे पड़ा आराम से खाना खाओ और चलो, तुम कहाँ बारिश में तारों में भीग रहे हो यार, हद है। और मजे की बात पता क्या, तारे खुद लेजिट हिल भी रही हैं ऐसे ऐसे, तब भी कोई नहीं, बैठे रहें दो आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है। लाइट दोबारा से चलेगी, सभी लोग सारे घर वाले तैयार हो रहे हैं करवा चौथ का मत्था टेकने के लिए। अपने को तो खैर कोई इतना फर्क नहीं, ना ही हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, ना ही हमारी शादी हो रखी है करवा चौथ से, लेकिन हाँ सिर्फ एक चीज का फर्क है कि मम्मी को कोई तकलीफ ना हो, उनकी डेडिकेशन जो है वो ना टूटे। वैसे कहाँ टूटते हो, कहीं ज्यादा डेडिकेटेड है, सारी इंडियन मोम्स को सैल्यूट है वैसे यार आज के दिन के लिए, बिना पानी पिए फास्ट रखना। और हम यहाँ पे कुरकुरे पेल रहे, पर नहीं कुरकुरे कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, अब तो प्रॉपरली धूप निकल आई बाहर है, एकदम लिशकारा पड़ रहा है। चलो अब कम से कम थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होगी भी, यहाँ चांद दिख जाएगा। कैलकुलेशन के हिसाब से चांद यहाँ से निकलेगा, लेकिन एटलीस्ट 2 से 3 घंटे लग जाएंगे उसको निकलने में, और तब तक वहाँ का काला बादल जो वहाँ से और इस एरिया से आ रहा है, अभी हम मंदिर होके आए हैं तब हमने देखा, वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। चांस फिर से स्लिम हो गया चांद दिखने के, लेकिन चलो कोई ना, जो भी है जैसा भी है ठीक है। मम्मी को कह दिया भी हाँ टाइम देख के व्रत खोल लेना, तो अब अरे वाह बंदर कहाँ पे बैठ रखा देखो लाल लाल दीवार पे। तो अब इसी नोट पे करते हैं आज की वीडियो को एंड, होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नवी जर्नी, एक नवी एडवेंचर, एक नवे एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल। और ये मैं ऐसा पंखा क्यों चला रहा हूँ, तुम लोगों को हवा दे रहा हूँ, देखो तुम लोगों का कितना ख्याल रखता हूँ।